सरकार बड़ी बेशरम सरकार है, बड़ी निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। किसी सरकार को भी ऐसे देश से बजाओ भगाओ, ये सरकार किसानों को गोलियों से और लाठियों से मारने के लिए तैयार बैठी है। अपने किसानों पर ट्रैक्टर पर हर इंतजाम है, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ने का, बैरिकेड तोड़ने का किसान अपना इंतजाम करे बैठे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ियां हैं, बस किसान इंतजार में बैठा है। भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के आह्वान पर आज यमुनानगर में टिकैत ग्रुप ने 12 से 4 बजे तक के लिए प्रदर्शन का ऐलान किया था। ताज़ा तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये अम्बाला सहनपुर नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है तमाम जो ट्रैक्टर्स जो है किसानों के वहाँ यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है पुलिस की तरफ से। कुछ दूरी पर यहाँ पर पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया था कि ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार को शक्ति प्रदर्शन का एहसास कराया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर लेकर यहां पर आए हुए हैं, तमाम जिले से जो हैं नेशनल हाईवे पर यहां पहुंचे हुए हैं। वो 4 बजे तक यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि यहां पर जो है किसानों की तरफ से है लंगर की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर जो है दोपहर के होते ही यहाँ पर जो है लंगर का प्रबंध किया गया था, और जो है किसान जो है यहाँ पर लंगर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और जो तमाम जो जिले के किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, छोटे से लेकर सभी तरह के लोग यहाँ पर इस जो प्रदर्शन में वो शामिल है। दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आगे की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे कि यहाँ पर भी जो है ट्रैक्टर जो है किसानों के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जो किसान नेता है वो यहाँ पर मौजूद आई, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि गुज्जर साहब क्या प्रदर्शन का आह्वान किया गया था और सरकार को क्या दिखाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था भी 26 फरवरी को किसान अपने ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ करेंगे, और आज उसी के आह्वान पर आज हमने यमुनानगर में भी हमारे दो जगह हैं, बिलासपुर में शिव चौक पे और एक ये हाईवे पे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ है, और आगे जो भी आदेश संयुक्त किसान मोर्चा का, किसान अपना हक और अपना MSP की गारंटी मांगने के लिए जो भी हमारे मुद्दे हैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। और आज किसान ट्रैक्टर सरकार ट्रैक्टर से फटफड़ाती है, पता नहीं क्यों डरती है किसान के ट्रैक्टर से। और आदरणीय राकेश टिकैत जी कहते हैं भी किसान का ट्रैक्टर मखमली सड़कों पर भी चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, और किसान जब भी सरकार किसी संगठनों का हमारा आदेश आएगा तो किसान अपना हक और अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। इस प्रदर्शन से क्या माना जाए कि सरकार पर इस तरह के प्रदर्शन से कोई असर पड़ रहा है? हाँ असर पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ेगा। सरकार बड़ी बेशरम सरकार है, बड़ी निकम्मी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, किसान को बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है, लेकिन किसान इसकी हर दमनकारी नीति का डटकर विरोध करेगा। किसान पूरा देश का किसान एक है, और आज किसान अपनी फसल नस्ल को बचाने के लिए सड़कों पर बैठा है, और जैसे भी आगे आदेश आएंगे और आने वाले टाइम में जैसे देश से अंग्रेजों को भगाया था, मैं तो यही विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों से, इस सरकार को भी ऐसे देश से बजाओ भगाओ, ये सरकार किसानों को गोलियों से और लाठियों से मारने के लिए तैयार बैठी है, कोई कोफ नहीं कर रही है। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर भी पाकिस्तान का बॉर्डर की तरह बढ़ा दिया है सरकार, और प्रशासन की तरफ से जो है जो तमाम जो नाके हैं वहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। किस तरह दिल्ली कूच किया जाएगा, क्योंकि इस बार तो आसान नहीं लग रहा है। पिछली बार जो 13 महीने आंदोलन चला, जब भी बड़े बड़े बैरिकेड लगाए थे किसानों, अपने किसानों पर ट्रैक्टर पर हर इंतजाम है, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ने का, बैरिकेड तोड़ने का किसान अपना इंतजाम करे बैठे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ियाँ हैं, बस किसान इंतजार में बैठा है। कुछ और किसान संगठन भी यहाँ पर मौजूद है। सर आप भी जो है जो तमाम जो किसान संगठन है उनका समर्थन आप दे रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन मिल रहे आप किसानों को दे रहे हैं और क्या चेताना सरकार को चाहते हैं? अखिल भारतीय किसान सभा जिला यमुनानगर का मैं प्रेसिडेंट हूं, और संयुक्त किसान मोर्चा हमारे सुभाष जी, मैं स्वयं और धर्मपाल चौहान जी संयुक्त किसान मोर्चे संबंधित हैं। एक सवाल जो बार बार आ रहा, क्या ट्रैक्टर खड़े करने से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हमारा स्पष्ट ये मानना है कि सरकार मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग गतिविधियाँ अलग अलग टोटके कर रही है। जैसे अभी दिवाली मनाने वाली बात थी, 5 दीवे जड़ाओ, हम सड़कों पर ट्रैक्टर खड़े करके जनता को किसानों को समझाना चाहते हैं कि दिए जलाने से वो अपना व्यक्तिगत उनका वो है, लेकिन ये जो ट्रैक्टर खड़े है ये भी किसानों के दिमाग बदल रहा है कि हमारे मुद्दे हैं, MSP हमारे मुद्दा है, हमारी ये स्वामीनाथन आयोग के अनुसार। इसके अलावा जो बिजली विधेयक है उसको वापस लिया जाना चाहिए, बेरोजगारी है, मजदूरों के लिए 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, और ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो अपराधियों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, ये हम इस सब के विरोध में सड़कों पर खड़े होकर जनता को ये बता रहे हैं कि अभी जनता को जो ये फांसी जमा रहे हैं,
जो तानाशाही आ रही है, जनता इसके खिलाफ सड़कों पर खड़ी है। डरने की जरूरत नहीं, जो डर ये पैदा कर रहे हैं वो डर हम तोड़ रहे हैं। एक तो ये बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो तमाम जो संगठन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, उनकी सबसे बड़ी मांग है कि MSP पर गारंटी कानून दिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है सरकार से टकराने के लिए फिर से तैयार है। अब देखना होगा कि किस सरकार जो है किसानों को मांगों को मानती है या फिर किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।